हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना के 49 साल पूरे हो गए हैं। स्थापना दिवस पर आज विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर दिव्यांगों को और अधिक सूचनाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाला वेब पोर्टल का भी शुभारम्भ किया। पूरम में SCA अध्यक्ष रहे एवं श्रेष्ठ छात्र के रूप में विपिन कुमार को सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट कार्य के लिए गैर शिक्षक कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तम सुलेख के लिए हिंदी विभाग में कार्यरत रमा बेबी को शैक्षणिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण सदाचार के लिए नवाजा गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के VC राजेंद्र चौहान सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित छात्र मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विश्वविद्यालय समुदाय का आह्वान किया कि बेहतर ग्रेड के लिए कर्मठता से कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम डिग्री देने वाले संस्थान न बनकर रह जाएं, बल्कि हमें रोजगार परक एवं मूल्यवान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को अधोसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध किया जाएगा, लेकिन इससे पहले पूर्व में आवंटित धनराशि को सुनियोजित तरीके से खर्च करना होगा। भारद्वाज ने कहा कि प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा के व्यापारीकरण को महत्व देते हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान नैतिक संस्कारपूर्ण संपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 1970 से जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, आज उस यात्रा के 49वें वर्ष में हम पहुंच गए हैं और इस विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली हम मनाने वाले हैं। और गोल्डन जुबली पर जो है वो हम चाहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी ए ग्रेड नैक की बहुत अच्छी ग्रेडिंग के साथ जो है वो आगे बढ़े। इस विश्वविद्यालय ने बहुत प्रगति की है, कुछ एक चंद जो है वो ढारों में जो क्लासेस प्रारंभ की गई थी, एक पुरानी बिल्डिंग में विश्वविद्यालय शुरू किया गया था, आज जो है वो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में उसका अपना एक स्थान है। और इस विश्वविद्यालय से पढ़कर के जो छात्र गए हैं वो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो अपना नाम ये नहीं कमा रहे हैं, वरन हिमाचल प्रदेश का भी नाम जो है वो उससे जो है वो उजागर हो रहा है। और हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश विद्यालय से पढ़ने वाला एक छात्र अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बना। तो इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक एजुकेशन इंजीनियरिंग मेडिसिन सभी क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय से जो पढ़ कर के हमारे एलुमनाई गए हैं उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है। आगे भी ये संस्थान इसी प्रकार से आगे काम करता रहे ताकि हमारे छात्र जो हैं वो आगे चल करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा को अधिक सार्थक बनाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।